नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी आज है सावन खीर, और सावन खीर को लेकर के सारी तैयारी हो चुकी है। सभी लोग जो है नीचे इकट्ठा हो चुके हैं। मोहल्ली की जितनी भी आंटी है सभी लोग आ रही है, और नीचे जो है जो भी रस्म होता है वह सब कुछ शुरू हो चुका है। और पीछे देख रही होंगी पुआ, अच्छा यहाँ एक है और एक वहाँ पर है। तो ये सब सामान को जो है लेकर के चल रहा है नीचे। भगवान हो गया वहाँ पर रखा हुआ। और भी कुछ बचा है? नहीं, बाकी जी तो यही आए थे। सब कुछ आ गया है? हाँ, ठीक है। तो फोटो खींच दो इन सब का। ठीक है। तीनों बहन है। अगरबत्ती है? हाँ, सब कुछ साइड। वहाँ पर दिया जला, सिंदूर करो, अगर में फर्स्ट बढ़िया से सिंदूर करो, तब पत्ता दे करके 14 जगह पूरी दो, पहले उस पर थोड़ा थोड़ा खीर दो, आलू दो काट के। जिसको भी ये रसम नहीं आता होगा वीडियो देख के सीख लेगा वो। पान सुपारी में कोहबर चढ़े, कोहबर में चढ़ाते कोहबर में नीचा में। हाँ, सिंदूर करो। हाँ, कोहबर में करो ना, ऊपर में कहीं बढ़िया से लंबा लंबा करो। पान पत्ता सुपारी पूजो कोहबर जल सटा करके देना। वहाँ डंटी कोहबर के तरफ होना चाहिए। उल्टा करो ना, उल्टा करो, उल्टा है पूछो, अलग अलग दो ना, सटा करके दो, तब इधर खीर पूरी अटेगा। दीदी सुपारी होगा ऊपर। तपसी भी करिया संग में
जितना चीज है ना सब कुछ पूजा आनी है।
देखो पूजा हो रहा है। प्रसाद ले लो। तो फाइनली जी हर असम हुआ खत्म, सभी लोग को प्रसाद भी बांट दिया गया है और सभी लोग जो अपने अपने घर चले भी गए हैं, बाकी कुछ लोग का जो है आना जाना लगा रहेगा और सभी को प्रसाद देते रहेंगे हम लोग। अभी हमारा लग गया जी प्रसाद, तो जल्दी से दे दिया जाए, अब खाते हैं। प्रसाद वितरण तो हो गया जी, अब बारी है हमारी प्रसाद खाने की, तो हमारा लग गया है प्रसाद, तो जल्दी से इसको खाते हैं। उसे किसी भी फेस्टिवल का और किसी भी पूजा का सबसे बेहतरीन लम्हा यही होता है जब सब कुछ संपन्न हो जाता है और आपके हाथ में जो प्रसाद मिलता है एकदम बेहतरीन प्रसाद सब।